कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या सार्फिन के तहफ़ का कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनसे कि हम शॉपिंग करते हैं या ख़रीदारी करते हैं, मसलन मार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह। ये उन लोगों पर भी लागू होता है जिनसे कि हम सर्विसेज हासिल करते हैं, मसलन वो तमाम इदारे, मसलन वापडा, सुई गैस का महकमा, PTCL, हमारा डॉक्टर और हमारा दर्जी तक। ये तो वो तमाम के तमाम लोग हैं जिनसे हम कुछ पेमेंट के या कुछ उनको पे करने के एवज हम उनसे सर्विसेज हासिल करते हैं। तो भी एक सार्फिन हमारा ये हक है कि हमें उसके बदले में सर्विस मुकम्मल तौर पर फराहम की जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन तमाम के तमाम सेलर्स के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें से कुछ शराइत ये हैं कि प्राइस लिस्ट किसी भी ऑब्वियस मकाम के ऊपर, ऐसे सेलर्स जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है या मार्केट है, वहां पर प्राइस लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी ऑब्वियस मकाम के ऊपर लगाई जाए और ग्राहक या बायर्स जो भी हैं वहाँ पर उनका एक्सेस उस तक आसान हो। फिर जो भी आइटम्स उस स्टोर के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर उनके इंग्रेडिएंट्स का हलाल होना और उनका उनके ऊपर मेंशन होना भी ज़रूरी है। ऐसा कोई भी आर्टिकल या आइटम ऐसे स्टोर्स के ऊपर रखने पर पाबंदी लगाई गई है जिन के इंग्रेडिएंट्स अननोन हो या हमें मालूम ना हो कि उनके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। तीसरी बात जो ऐसे स्टोर्स या ऐसे सेलर्स के लिए ज़रूरी रखी गई है वो ये है कि उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट जो है उसका मेंशन किए जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और कंडीशन जो कि इन स्टोर्स के लिए पाबंदी इनके ऊपर लगाई गई है वो ये है कि रिसीट देना इनकी जिम्मेदारी है और बीइंग सार्फिन या एक बायर की जिम्मेदारी ये है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जहाँ से भी कोई सर्विसेज लें, ना सिर्फ कोई आर्टिकल, कोई आइटम जो कि हम परचेज करने के लिए गए हैं, हम कोई सर्विसेज भी ले रहे हैं तो उसके लिए रिसीट का लेना हमारी जिम्मेदारी है। इन शराइत में से कोई भी शर्त अगर कोई वेंडर या सेलर पूरी नहीं कर रहा या कोई सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आपको ग्रीवियंस है कि वो आपसे ओवर प्राइसिंग या ओवर चार्जिंग कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बहुत ही सिंपल प्रोसीजर इस मकसद के लिए एक्सप्लेन किया है ताकि सार्फिन को इंसाफ की फराहमी क्विक बनाई जा सके। इस मकसद के लिए एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक सादी दरख्वास्त, एक सिंपल एप्लीकेशन मूव की जा सकती है जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उस सर्विस प्रोवाइडर को, उस सेलर को, उस वेंडर को चेक करेगा और उसके बाद उसको फाइन किया जाएगा और कंज्यूमर की जो भी शिकायत है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इन शिकायत की रिड्रेसल के लिए दूसरा तरीका कंज्यूमर काउंसिल्स या कंज्यूमर कोर्ट्स का कयाम है। मुल्क के तकरीबन तमाम ही शहरों के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स का कयाम हो चुका है और उनके अंदर भी आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वकील इंगेज करना पड़ेगा। एक आम इंसान एक एप्लीकेशन के जरिए, एक कंप्लेंट के जरिए कंप्लेंट मूव कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर और कंज्यूमर कोर्ट की प्रोसीडिंग को 180 डेज तक के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि इसके अंदर ही कंज्यूमर कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसके बाद अपनी जजमेंट देनी है और उन केसेस का फैसला 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स के अंदर ही करना है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि सारे सबसे पहले ऐसे शख्स को जिससे कि ग्रीवियंस है या ऐसे इदारे को जिससे कि सर्विस ली गई है उनको नोटिस करेगा। सबसे पहले ये ज़रूरी है क्योंकि उस नोटिस की कॉपी, कंप्लेंट, आईडी कार्ड की कॉपी और वो तमाम की तमाम ज़रूरी मालूमात जो कि रिसीट्स या ऐसे किसी भी एविडेंस की फॉर्म में मौजूद हैं जिसको कि उस कंप्लेंट के साथ होना चाहिए, उसको कोर्ट में लगाकर प्रोसीडिंग्स का आगाज कर सकता है। सारिफ ऐसे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को, सेलर या वेंडर को जब लीगल नोटिस फॉरवर्ड करेगा तो उसके 15 डेज के अंदर उसका हक क्रिएट हो जाता है कि वो कंज्यूमर कोर्ट को रुजू कर सकता है। कंज्यूमर कोर्ट विद इन 15 डेज इस बात को मेक श्योर करेगी कि वो उस शख्स को कोर्ट के अंदर कॉल करे और उससे जस्टिफिकेशन तलब करे।
180 डेज का एक स्पैन मुकम्मल इस मकसद के लिए मखसूस कर दिया गया कि उसके अंदर कोर्ट जो है वो अपनी फाइंडिंग के बाद अपनी जजमेंट देगी, और कोर्ट के डोमेन के अंदर इस बात को रख दिया गया कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो के सबूत के तौर पर पेश की गई हैं उनको गो थ्रू करके और उनके खिलाफ मौजूद शिकायत को देखते हुए फाइन इन्फ्लिक्ट कर सकती है या इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। कोर्ट में इन प्रोसीडिंग्स के लिए अगर आपको मुश्किलात का सामना है और आपको लगता है कि आपको एक वकील की हेल्प की ज़रूरत है, तो वकील की फ़ी भी उस जुर्माने का हिस्सा होगी जो कि इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के फैसले के अंदर आपको दिलवाई जाएगी। कंज्यूमर कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि वो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सके, एक्सचेंज करवा सके, रिफंड करवा सके। वो जो नुकसान सारिफ को बर्दाश्त करना पड़ा है उसकी तलाफी की जाए और उसके साथ साथ उसको डैमेजेस भी पे किया जाए। इस मकसद के लिए कंज्यूमर कोर्ट 1 लाख रुपए तक का फाइन और 2 साल तक सजा तजवीज कर सकती है। जहां सारिफ को ऐसा महसूस हो कि कंज्यूमर कोर्ट का फैसला सही नहीं है या उसकी तसल्ली उस फैसले से नहीं हुई, तो विद इन 30 डेज हाई कोर्ट को अपील की जा सकती है। कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के बाद नॉन कंप्लायंस के लिए जब ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा वेंडर, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा और जो चार्जेस उसके ऊपर कोर्ट ने लगाए हैं या जो पेनल्टी उसके ऊपर लगाई गई है वो उसको पूरा नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर 15 दिन के अंदर उसके ऊपर 20,000 रुपीज तक का मजीद फाइन किया जा सकता है। ऐसी किसी भी सर्विसेज जो कि हमने हासिल की हैं या कोई भी शॉपिंग या खरीदारी हमने की है उसके लिए रसीद हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसका सबूत हमारे लिए ये रसीट ही होगी। इसके साथ साथ ये जान लेना भी जरूरी है कि अगर हम एक गलत झूठे क्लेम के साथ कोर्ट में गए हैं तो हमें फाइन किया जा सकता है अप टू 10,000 रुपीज, और उसके साथ ही जिसके खिलाफ कंप्लेंट की है उसके पास भी ये राइट मौजूद होगा कि वो हमें डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। फॉरेन कंट्रीज के बारे में हम बड़ी आसानी और सहूलत से ये बात कर देते हैं कि अगर उनके किसी प्रोडक्ट में खामी निकल आती है तो वो आपको रिफंड्स ऑफर करते हैं, एक्सचेंज ऑफर करते हैं, और उसके साथ ही आपको एज मच एज पॉसिबल कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ इस वजह से है कि वहां पर कवानीन बहुत सख्त हैं। अगर इस किस्म का कोई भी केस लाइमलाइट में आ जाए तो उनके लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। कवानीन हमारे पास भी मौजूद हैं मगर अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस की कमी की वजह से उनको हासिल करने की कोशिश नहीं की जा रही। आपको आपके हकूक के बारे में बताना मेरी जिम्मेदारी है और इन हकूक को हासिल करके अपनी सोसाइटी को अपने लिए बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आई होप यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।